Hey guys, this is Siddharth and you are watching College Companion. Yes, I am back. COVID से लड़ाई काफी लंबी चली, but hopefully I am out of it and you know back with some energy. So आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में. घर बैठ के हम दे रहे हैं इंडिया के बिगेस्ट एग्जाम. आज मैं आपके साथ उसका एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ. टुडे आई गेव एन एग्जाम फॉर अशोका यूनिवर्सिटी. तो उसका एक मास्टर्स का कोर्स है इकोनॉमिक्स में एंड वो ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था ऑल इंडिया लेवल पर एंड मैंने भी आज उसको अटेम्प्ट किया. सो दिस इज माय एक्सपीरियंस अबाउट द एग्जाम एंड जो भी ग्लिचेस आए और जो भी यू नो स्ट्रगल इट वेंट थ्रू, दिस इज ऑल अबाउट दैट. तो गाइस, अशोका एमए एंट्रेंस के लिए उन्होंने पोर्टल्स दिसंबर में खुले थे एंड इट्स ग्रेट कि एक पर्सपेक्टिव ऑलरेडी था उनके पास कि कोविड सिचुएशन बुरी हो सकती है. सो बैक इन दिसंबर ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि इट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, एक सिट एट होम एग्जाम होगा. सो दिस इज यू नो दीज लिटिल थिंग्स टेल यू अ लॉट अबाउट यूनिवर्सिटी की कितना उनमें विजन है आगे को लेके एंड हाउ प्रिपेयर्ड दे आर अबाउट यू नो सिचुएशन दैट कैन गो बैड एंड बियॉन्ड आर कंट्रोल. सो दैट वॉज अ वेरी बिग प्लस. दिसंबर से 31 मार्च के अराउंड तक उन्होंने पोर्टल्स ओपन रखे थे जिसका आप इजिली रजिस्टर ऑनलाइन कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर 31st ऑफ मार्च, जो पूरा अप्रैल का मंथ है, उन्होंने रेगुलरली यू नो कंटिन्यूसली मेल्स भेजे कि दिस इज हाउ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड. मेटल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई है इसको लेके एंड वो कंडक्ट करेंगे. मॉक टेस्ट के लिंक भेजे. सो इफ समवन इज यू नो गोइंग थ्रू दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ मेटल, एंड आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ अस, सो उनको एक प्लेटफॉर्म का आइडिया हो जाए कि हाउ थिंग्स विल वर्क बिफोर the real exam takes place. So finally aaj exam conduct hona tha and the exam duration was around 2.5 hours. It was supposed to start at 10 AM. jo bhi aapko link mila tha test ka usko click karke 10 AM pe start kar sakte the. For me yahan par maine do forms bhare the, ek phd ka bhi bhara tha, ek masters ka bhi bhara tha, but dono same time par conduct hone the, so I had to choose between them and maine masters choose kiya and yahan pe pehla glitch aaya. सो जो मास्टर्स का मुझे मेल मिला था उसमें जो मैंने क्लिक किया तो इट वॉज रीडायरेक्टिंग मी टू द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एंड आई ट्राइड 3-4 times बट इट वॉज यू नो अगेन अगेन रीडायरेक्टिंग मी टू दैट. सो इट वॉज यू नो काफी नर्व रैकिंग हो गया था कि 10:15 हो चुके हैं, 15 minutes has already passed and this is the situation. I'm continuously trying to get to the right exam that I want to give. फिर उसके बाद मैंने यू नो मेल किया, यूनिवर्सिटी को मेल किया, मेटल को उसमें टैग किया एंड मेटल को मैंने कॉल किया, उनको सिचुएशन समझाई एंड दे सेड दैट दिस इज समथिंग दैट इज इन हैंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए. मीनवाइल मुझे यूनिवर्सिटी का रिप्लाई मेल आ गया, उसमें मुझे पूरी डिटेल्स फिर से भेजी गई और फाइनली आई हैड अ लिंक दैट वॉज रीडायरेक्टिंग मी टू द मास्टर्स एंट्रेंस. सो फाइनली ये ग्लिच ओवर हुआ, अराउंड 20 minutes लगे इसको ओवर ऑल्सो, 10:20 के अराउंड आई वॉज एबल टू क्लिक द लिंक अगेन. एंड जहाँ पर एक और सेकेंड जो प्रॉब्लम मेरे साथ फेस हुई वो ये कि वाइल आई वॉज ट्राइंग टू ओपन द टेस्ट, सो उसमें मेटल वॉज आस्किंग फॉर सेवरल परमिशंस. उनको कैमरा की परमिशन चाहिए थी, माइक की परमिशन चाहिए थी, देन दे वॉन्टेड ए स्क्रीन शेयरिंग परमिशन एज वेल. बाय मिस्टेक आई कैंसिल द स्क्रीन शेयरिंग रिक्वेस्ट एंड अगेन मेरा वहाँ पर लॉग इन पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हो पाया. सो फिर से एक अटेम्प्ट किया मैंने एंड दिस टाइम दे सेड दैट यू हैव लॉग्ड इन वेरी रिसेंटली, सो यू हैव टू वेट फॉर 7-8 minutes मोर before you can resume the test. So जो टेस्ट 10 बजे स्टार्ट होना था वो यहाँ 10:35-10:40 पर स्टार्ट हो गया एंड आई वॉज रियली स्केयर्ड कि मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा बिकॉज यू नो यू गेट अ वेरी लिमिटेड टाइम फॉर एनी एंट्रेंस टेस्ट और एवरी मिनट इज वैल्यूएबल, उसी हिसाब से पेपर डिजाइन होता है. बट थैंकफुली जब मैंने 10:40 के अराउंड पेपर स्टार्ट किया तो इट वॉज वर्किंग एंड आई वॉज फाइनली एबल टू सी द क्वेश्चन एंड आई हैड द फुल टाइम कोटा विद मी एज वेल. सो वाइल गिविंग द पेपर मेटल की तरफ से प्रॉक्टर्स थे ऑनलाइन विच वर रेगुलरली मॉनिटरिंग कि हम किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, वी आर नॉट चीटिंग और यू नो यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स. सो वो भी एक काफ़ी न्यू एस्पेक्ट था ऑनलाइन एग्जाम देने का एंड वाइल आई वॉज डूइंग प्रॉब्लम्स एंड सम्स द प्रॉक्टर वॉज अगेन टेलिंग मी टू एडजस्ट माई कैमरा सो यू कैन सी माई फेस प्रॉपरली एंड देन ही वॉन्टेड टू सी माई शीट्स ऑफ एम्प्टी पेपर अगेन एंड अगेन. सो एक टाइम के बाद काफी अनॉइंग हो गया था बिकॉज आई एम इन अ यू नो माइंड सेट ऑफ गिविंग एग्जाम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट एंड देन सडनली बीच में एक पॉपअप होता है मैसेज का कि यू नो सिट लाइक दिस सिट लाइक दैट एंड इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन. बार बार पॉपअप आए थे सो आई टोल्ड हिम दैट दिस इज यू नो काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल दैट आई कांट सी यू,
I don't know if you are looking at me while I'm showing you the sheet of paper, and this is really buzzing me that, you know, आप एक दो मिनट में मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो, इट्स ब्रेकिंग माई कॉन्सेंट्रेशन. एंड ही टुक इट प्रिटी वेल, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया. ही सेड यू नो फोकस ऑन योर टेस्ट एंड वी वोंट डिस्टर्ब यू. सो वो काफ़ी अच्छा था कि एटलीस्ट ही टुक द क्रिटिसिज्म वेरी वेल. एंड या सो दैट वॉज वेरी कम्फर्टेबल बिसाइड दीज ग्लिचेस. बट आई थिंक काफ़ी बड़ा चैलेंज है ये सबके लिए टू ओवरकम, एक आउट ऑफ नोवेयर नए पैटर्न के साथ आना, टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाना, इट इज रियली चैलेंजिंग. फाइनली आई वॉन्ट टू एड अ बिट अबाउट द टेस्ट पैटर्न. दो मैं इसके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो भी अशोका यूनिवर्सिटी का ओवरऑल होल प्रोसेस है. सो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच वीडियोज, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट. आई टेंड टू मेक वीडियोज दो तीन हफ्ते पहले जब एग्जाम होने वाला होता है, तो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है व्यूअर्स के पास जनरली. सो प्लीज सब्सक्राइब इट. बट जाते जाते मैं आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा. जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न था, इट वॉज 40 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आपके एनालिटिक रीजनिंग के थे, 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, एंड द लास्ट 20 वर फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड 20 फ्रॉम मैथमेटिक्स. तो उसमें से दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते थे. इफ यू फील यू आर मोर स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स यू कैन सेलेक्ट दैट, और इफ यू थिंक यू आर मोर स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक्स यू कैन सेलेक्ट दैट एज वेल. आई ट्राई टू पुट ऑल द इम्पॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. काफ़ी पॉजिटिव व्यूज मिले हैं मुझे चैनल के, थैंकफुली. सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज कोई भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज किसी के लिए भी लाइफ डिफाइनिंग हो सकती है, लाइफ चेंजिंग हो सकती है. योर वन फॉरवर्ड कैन रियली हेल्प देम अ लॉट. सो प्लीज़ डू दैट. एंड जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बताइएगा कि आपको और किस तरीके के वीडियोज़ देखने हैं, कौन से कॉलेजेस के बारे में आपको जानना है. आई ट्राई टू रीच एक्सपर्ट्स जो भी इस कॉलेज के एलुमनाई हैं, स्टूडेंट्स हैं, सो दैट वी कैन हैव अ मोर क्लोजर लुक एट दोज कॉलेजेस, कोर्सेज और इवन ऑक्यूपेशंस. सो डू लेट मी नो. एंड लास्टली आई वॉन्ट टू से प्लीज बी सेफ, इनडोर इज द वे, एंड मास्क है जरूरी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.